स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद के वार्ड नंबर 25 के भावी पार्षद कन्हैया लाल। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कन्हैया जी, ये बताइए आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है? 2003 से। 2003 से जी। तो सर, 2003 से आपने राजनीति की शुरुआत की है और 2023 में लड़ रहे हैं, खास वजह कोई? इससे पहले मौका नहीं मिला, मौका उसके बाद में थोड़ा बहुत जो मौका मिला भी प्रयास किया, हम जीत नहीं पाए। अच्छा, तो ये बताइए अगर आप पार्षद की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों वोट? पार्षद इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हमारे वार्ड की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके सामने तो स्थिति क्या हो रही है, रोड का, रास्तों का, नालियों का इतनी दुर्गति हो रही है जिसका कोई अंत नहीं है। पार्कों की स्थिति देखो, सारे पार्क ऐसे खड़े हैं जैसे मानो कोई खंडर की तरह, ना बाउंड्री है, ना रास्ता है, ना घास है, ना बिल्कुल व्यवस्था। इतनी खस्ता हालत हो रही है कि अगर पूरे 100 वार्डों में स्थिति देखोगे तो जितनी हमारे वार्ड की स्थिति खराब है इतनी किसी का आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। समुदाय केंद्र इस स्थिति में खड़े हुए हैं जैसे कि मानो ये गिरने वाले हों, उनकी स्थिति इतनी खराब है। वो अभी 3 साल पहले हमने माननीय अपने अतुल गर्ग विधायक जी के माध्यम से उसकी रिपेयरिंग करवाई, उसमें 25-26 लाख रुपए लगवाया, उसके बावजूद वो इस तरीके का हुआ है कि छोटा मोटा गरीब आदमी फंक्शन उसमें कर सके। अब भी स्थिति है, लेकिन जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए ना, तो समुदाय केंद्र का ना पार्कों का, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। किसी भी तरीके की नहीं है स्थिति, किसी भी तरीके की नहीं है। जी बताइए, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता वोट हमें इसलिए देगी कि हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता की समस्या को निवारण करते हैं। हमने जनता के लिए 1387 राशन कार्ड बनवाए, हमने जनता के लिए फ्री के 577 सिलेंडर दिलवाए। जनता का छोटा बड़ा जो काम होता है उसके जनता के बीच सदैव हम रहते हैं। समस्या होती है नालियों की, पानी की, शिवर की, उसमें भी हम जनता के आगे हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनकी समस्या का निवारण हम करते हैं। अच्छा कन्हैयालाल जी, ये बताइए जैसे हाल ही दिनों में 11 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब तक आप लोगों ने जनता के लिए क्या किया है, उनकी कौन कौन सी समस्या का समाधान कर रहे हैं? जनता की सदो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या एक तो पानी की है और शिवर की है। शिवर की आए दिन समस्या अगर आप देख सकते फोटोग्राफी में देखोगे वीडियो के माध्यम से, मैं बराबर निरंतर जनता के बीच में लगा रहता हूँ गटर की, शिवरों के माध्यम, सफाई से, कभी गाड़ी के माध्यम से, कभी लोग खुद ही आते हैं गटर के अंदर घुसवा के हम शिवर की सफाई करवाते हैं, उसके माध्यम से जनता का निवारण होता है। फिर भी समस्या बहुत गंभीर है, जो शिवर की समस्या है वो छोटी, बहुत छोटी समस्या, 4 इंची वाले हैं, कम से कम 12 इंची 18 इंची शिवर की समस्या बड़ी करानी पड़ेगी, तब उसका निवारण होगा। कितने सालों से है ये समस्या? लगभग 10 से 12 साल से। तो ये 10 से 12 साल से है समस्या, तो पार्षद जी तो यहाँ पर 2 साल बदल चुके हैं, तो उन्होंने किसी भी तरीके का विकास नहीं? हमारे माननीय पार्षद जी ने ये विकास किया है कि वो 5 साल अपने चैम्बर पे बैठे रहे, उसके बाद में चुनाव जब आया उसके बाद में खड़े होकर चलने लगे। उससे पहले वो हमारे वार्ड में ये नहीं जानता था कि हमारे वार्ड का पार्षद कौन है, स्थिति ये थी हमारे वार्ड की, तो विकास होगा कहाँ से? अच्छा कन्हैया जी बताइए, जनता का कहना होता है जब पार्षद को वोट चाहिए तो वो वोट मांगने के लिए आते हैं, जीतने के बाद वो सारी समस्याओं को भूल जाते हैं, फिर कैसे यकीन दिलाएंगे आप जनता को? देखो ये बरसाती लोग कुछ और होते हैं, हम निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और इसलिए जनता हमें याद करती है और जनता का प्यार सहयोग इसीलिए हमें मिल रहा है कि हम बराबर जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता का काम करते हैं। अच्छा। और इसीलिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, भव्य आशीर्वाद मिल रहा है। आप किसी क्षेत्र में जाओगे, कहीं पूछोगे, आप नाम पता करोगे मेरे नाम से, कोई भी बच्चे से बड़े तक कोई बता देगा वोट किसे देना है, वो स्वयं बताएंगे कन्हैयालाल को देना है। थैंक यू सर।